हम लोग सर्कल स्टार्ट किए थे, एक तो डेफिनेशन आपने देखा था ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो, नहीं? उसके बाद इसका इक्वेशन हम लोग लिखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, जिसमें सेंटर क्या हो जाए ओरिजिन, और रेडियस इसका ए है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के भी हमें लग जाएगा जो इसका सेंटर क्या होना चाहिए, 0,0, और रेडियस यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो रेडियस आपको दिखेगा आर के इक्वल होगा। अगर सेंटर आपका एक्स वन वाई वन हो तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे जो डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछा है जो सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो डायमीटर का अगर इक्वेशन दे रखा है तो आपको पता है डायमीटर जो होता है वो किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है, तो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या अपने को सेंटर दे देगा। अब क्या ढूंढना है हमें, रेडियस, क्योंकि अपने को पता है ना अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो क्या चाहिए आपको, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, यही है ना। ओके, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे। फिर ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इसको क्या किए, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स माइनस टू वाई वन वाई प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमने बोला यार ये जो जनरल इक्वेशन होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसमें आप बोलते थे यही जनरल इक्वेशन किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी, इलिप्स को भी, हाइपरबोला को, पैराबोला को, तो कंडीशन अलग अलग होता है। एक तो बोलते जब डेल इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर डेल नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को। तो अगर डेल नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और साथ में ऐसा क्या कंडीशन होगा जिससे ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, साथ में एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो के इक्वल होना चाहिए और डेल नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है, स्क्रीन में कुछ हिलता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं क्या नहीं दिख रहा है? सर, स्क्रीन दिख रही है लेकिन कुछ मेरे में तो सर नहीं दिख रहा। हाँ सर, दिख रहा है तो तभी से बोलना चाहिए ना। सर, लगा नहीं था आप लिख रहे हैं। अच्छा, लिख नहीं रहा था मैं, स्क्रीन तो दिख रहा था ना, स्लाइड। हाँ सर, स्लाइड दिख रहा था लेकिन मतलब ये जो आप मार्किंग कर रहे थे वो नहीं दिख रहा था। अच्छा, मार्क तो नहीं कर रहा है, इसे रिवीजन करा रहा हूँ ना। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन ये था जो कि आपने किया भी था, सिमिलर क्वेश्चन जेई मैंने 2 बार पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल बातें होंगी। जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप? कर सकते हो, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल का सर्कम सर्कल तो हो ही सकता है ना। बताओ, अगर मैं बोल दूं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर मिला दें तो क्या आप बोल सकते हो जो यार वो तो ट्रेंगल बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हो, ये तुम्हारा एक्स वन कॉमा वाई वन और बी है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू और सी है आपका एक्स थ्री वाई थ्री। अगर इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो क्या आप बता पाओगे? बोलो, ये हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इस सर्कल का इक्वेशन, हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, क्या क्या आपके मन में ख्याल आ रहा है बताओ। बोलोगे तभी समझ में आएगा ना, क्या क्या सोच सकते हो आप, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे आए, तुम्हें पता है। एक सरकम सेंटर का ठीक है, तो ये बोल रहा है जो सर इसमें सर्कम सेंटर अगर हम लोग फाइंड कर ले, मान के चलो ये बच्चा चाह रहा है जो इसका ये सर्कम सेंटर आ गया, ठीक है ना, इसको हम लोग
लिख लेते हैं, चलो ये आपका ओ है, ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया ये क्या है आपका सरकम सेंटर। अगर सर्कम सेंटर आ जाएगा तो यानी इस सर्कल का सेंटर आ गया, इस सर्कल का सेंटर आ गया तो क्या सेंटर से किसी भी वर्टेक्स को मिलाएंगे तो क्या रेडियस मिल जाएगा? यस सर, रेडियस मिल गया। तो यानी कि सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो सर्कम सेंटर चाहिए और साथ में साथ रेडियस चाहिए, तो क्या अपन इस सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे बताओ? अगर मान के चलो यही अल्फा कोमा बीटा हो जाए, ठीक है, सेंटर आ गया तुम्हारा सर्कम सेंटर अल्फा कोमा बीटा और रेडियस भी तुम्हें आर मिल गया, तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन लिख पाए आप? कैसे लिख दोगे भाई? तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या ऐसे आ जाएगा? आ जाएगा। तो अब सोचो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है ना, सर्कम सेंटर कैसे फाइंड किया जाए। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इस पे कैसे कैसे सोचेंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा सोचोगे, थोड़ा मैं आपको हिंट्स दूंगा तो आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है ना, याद भी रहेगा। तो सर्कम सेंटर आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करते हो? सर्कम सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ बिल्कुल इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो हमें लिखना आता है, ड्रॉ करना आता है, कैसे भाई? अगर दो पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट है तो क्या मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे बी है, ये सी है, सोचो ये बी है सी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? क्या ये एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू और y2 टू प्लस वाई थ्री बाई टू, और जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन का स्लोप बता सकते हो? इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? क्या माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ BC, ऐसा होगा? यस सर, ऐसा होगा। तो यानी कि तुमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया, तो क्या दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन आ जाएगा? उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर, यानी हमें सरकम सेंटर मिल गया। अब सर्कम सेंटर मिल गया यानी कि अल्फा कोमा बीटा आपको मिल गया, तो किसी भी एक वर्टेक्स से उसको मिला दोगे तो क्या तुम्हें रेडियस नहीं मिल जाएगा? मान के चलो ओ ए जो है ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। चाहे तुम ओ बी मिला दो ये भी रेडियस के इक्वल होगा, चाहे ओ सी कर दो ये भी रेडियस के इक्वल होगा। तो क्या ऐसे ही अपन सर्कल का इक्वेशन लिख पाएंगे? बताइए, लिख पाएंगे। चलो एक मेथड तो श्वेतांक ने बताया, चलो दूसरा और कोई बताओ, सोचो थोड़ा। मेथड टू, सेंटर डिस्टेंस सेम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा बोल रहा है जो सर ये जो सर्कल होगा इसी सर्कल पे तो वो तीनों पॉइंट लाई कर रहा है ना, ठीक है ना, इसी सर्कल पे वो तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, ये सोचो आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, एक्स टू कॉमा वाई टू और ये है आपका एक्स वन कॉमा वाई वन। अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो क्या इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो तीनों का इक्वल होगा? होगा क्या? ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ऐसा बोलोगे? और सेंटर को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा, चलेगा? चाहे तुम एक्स कोमा वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमें वही फाइंड करना है। क्लियर है सबको? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, जो ये जो बच्चा बोला है ये क्या सोच रहा है? तो ये सोच रहा है जो हम ना इसके हेल्प से ये एक्स और इसको वाई बोल दें तो क्या मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकता हूँ? अगर इसको मैं ओ लिख दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओ ए, ओ ओरिजिन नहीं है, इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी और ये किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो अगर एक बार हमने एक इक्वेशन बना लिया जो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये बना लेते, दूसरा हमने बना दिया जो यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ऐसा,
तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या तुम लिख सकते हो यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू स्क्वायर ऐसा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आएगा क्या? देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आएगा, ऐसा है? बताओ चलेगा? हाँ सर चलेगा। हाँ सर, दो इक्वेशन मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, इसमें भी एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस वाई वन स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या बोल दोगे x माइनस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस y माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर, इससे भी एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो क्या हमें सेंटर मिल जाएगा, x मिल जाएगा y मिल जाएगा, ये क्या सेंटर का ही कोऑर्डिनेट तो है? अगर सेंटर मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सेंटर मिला ऐसे ही किसी भी वर्टेक्स को पकड़ेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे OA, तो रेडियस मिल जाएगा, फिर इक्वेशन लिखना आता है हमें। समझ में आया सबको? यस सर। चलो थर्ड मेथड बता दो कोई। चलो थर्ड मेथड और सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या सर्कल का जनरल इक्वेशन हमें पता है? सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको पता है क्या होता है भाई? आप लिखते हो सर्कल का जनरल इक्वेशन एक क्यों लिखें जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल होता है? तो जनरल सर्कल का जनरल इक्वेशन आप क्या बोलते हो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बोलते हो आप, क्या ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है? बताइए। हाँ सर। अब सोचो अगर मैं बोलूं इस सर्कल का इक्वेशन यही है और इस सर्कल पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या इस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? एक बार x1 y1 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी सर्कल पे लाई कर रहा है, एक दूसरा x2 y2 सेटिस्फाई करेगा, तीसरा क्या बोल सकते हो x3 y3 सेटिस्फाई करेगा। अगर हम तीनों रख दें, इसमें अननोन चीजें क्या है, एक g है f है c है, अगर g f और c मिल जाए तो अपन बता देंगे भाई इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो एक बार हमने क्या किया, इस x1, y1 को रख दिया, तो अगर x1, y1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c equals to 0, एक इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, x2 square plus y2 square plus 2g x2 plus 2f y2 plus c equals to 0, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही क्या ये x3 square plus y3 square plus 2g x3 plus 2f y3 plus c equals to 0, क्या ये थर्ड इक्वेशन मिलेगा अपने को? इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना, के हेल्प से क्या अपन यहाँ पे g फाइंड कर सकते हैं, f फाइंड कर सकते हैं और c फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? देखो तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, बताओ चलेगा? यस सर चलेगा। तो आपके पास यहाँ पे तीन मेथड है, इन तीनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लो, जो इजी सा लगे। समझ में आया सबको? यस सर। आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये जेई मेन ने पूछा है 2018 में। बोला ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 and 4, 5 if its center lies on the line y minus 4x plus 3 equals to 0 then its radius is equals to, कैसे करोगे? अब सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो सर? हाँ जी सर, मेंस में ही सर्कल के क्वेश्चन आते हैं क्या?
ऐसा क्या एडवांस में, क्या इसका सिलेबस एडवांस में नहीं है क्या? नहीं सर, मतलब पूछ रहा हूँ क्योंकि सर मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं रिसेंटली। हाँ तो ये अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो मेंस में स्टार्ट सिंपल सिंपल पूछता है ना, इसलिए स्टार्टिंग वाले थ्योरी में तुम देख रहे हो जो मेंस वाले क्वेश्चन आ रहा है, जब आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा एडवांस भी आ रहा है। ठीक है हाँ, अभी तो क्या ही थ्योरी पढ़े हम लोग, कल जितना पढ़े तो उससे देखो कितना जेई मेंस पूछ लिया। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या यही है जो सर्कल पे ये दो पॉइंट लाई कर रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे तुम्हारा सेंटर लाई कर रहा है, यही है? तो क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए? चलो जितेश बताओ यार कैसे किया जाए। सर एक्स कोमा वाई निकाल लें, अच्छा एक्स कोमा वाई निकाल लें, ओके डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। और कोई कुछ बताओ श्वेतांक, सर एक सेंसर अभी क्वेश्चन ही नोट कर रहा था। नोट मत करो ना, पहले सॉल्व करो ना, बाद में लिखने का तो बाद में लिख सकते हैं ना। सर टाइम नहीं मिलता सर नोट बनाने के बाद में। चलो और किसी के मन में कुछ ख्याल आ रहा है? तो पहला हम लोग सोचते हैं, चलो एक मेथड हम लोग ऐसा है जो सोचते हैं, चलो सर्कल का हमें जनरल इक्वेशन पता है, ठीक है ना, क्या लिखते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। एक काम कर सकते हैं, जो अगर हमें ये दो पॉइंट पता है तो क्या ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी कि सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ऐसा बोल सकते हो? सर हाँ ऐसा भी कर सकते, मान लीजिए रेडियस अल्फा कॉमा बीटा ले लिया और फिर उससे जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, बिल्कुल वैसा करेंगे, वो भी करेंगे अभी मेथड। दूसरा मेथड भी करेंगे, लेकिन सब सोचोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, ऐसे थ्योरी थ्योरी रट के तुम्हें लगता है कुछ हो पाएगा मैथ्स में? बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, है कितना थ्योरी, एक छोटा सा थ्योरी है उस पे देखो कितना क्वेश्चन है, ठीक है ना, जब तक आप सोचोगे नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। चलो यहाँ पे देखो ये 2.3 से पास कर रहा है, तो पहला हमने सोचा चलो 2.3 ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दिया हमने 2.3, रख दो 2.3, तो ये कितना होगा, क्या ये 4 प्लस 9 प्लस क्या लिख सकते हो, 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या एक इक्वेशन हमें ये मिला? यहाँ से आ गया 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। दूसरा आप बोल सकते हो जो 4.5 भी तो लाई कर रहा है सर्कल पे, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, तो उसको भी रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 16 प्लस 25 प्लस 10, अच्छा 4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया कि ये 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0, बोलोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल यानी कि अननोन कितने कितना है, 3 है, यानी कि 3 इक्वेशन तो चाहिए। अब आपको ये भी पता है अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन ये है तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, क्या -g, -f होता है? हाँ, तो ये जो लाइन है ये तो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो यानी कि इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हमें तीसरा इक्वेशन भी मिल गया? तीसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से, आप बोल दोगे -f प्लस 4g प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये थर्ड इक्वेशन मिला? इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं f g और c का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? बताओ, जैसे ही f g और c आएगा तो रेडियस आप बता दोगे, रेडियस किसके इक्वल होता है, क्या ये g² प्लस f² - c के इक्वल होगा, तो रेडियस आ जाएगा, क्या ये बातें सबको क्लियर है? हाँ सर क्या ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता होगा तुम लोगों को?
आता है नहीं आता है? फर्स्ट और थ्री को माइनस कर दें, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दो तो सी गायब हो जाएगा। अगर टू में से वन माइनस करोगे देखो कितना आ रहा है, फोर जी प्लस फोर एफ, सी सी कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा कितना 28 इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है आंसर। तो जी प्लस एफ प्लस सेवन इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब सोचो दूसरा इक्वेशन जो है ये तुम्हारा 4g माइनस f प्लस 3 इक्वल टू जीरो है, मतलब थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया 5g प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो g का वैल्यू कितना आया आपका, माइनस 2 आया। अगर g आ गया तो f किसके इक्वल आएगा, f यहाँ पे माइनस 2 रखोगे तो क्या ये माइनस 5 के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों आ गया तो क्या c का वैल्यू आ जाएगा, क्या ये सबको क्लियर है? बोलो हाँ। सी का वैल्यू बताओ किसके इक्वल आ रहा है, सी इक्वल्स टू बोल दोगे 13 यहाँ से माइनस 13 और ये माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और क्या बोले 57। अच्छा 57 आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, यही आ रहा है सबका सर, 70 माइनस 13 आ रहा है सर, इक्वेशन वन में डाली थी तो। कितना आ रहा है सी का वैल्यू, 57। तो 57 आ रहा है, 57 आएगा तो यहाँ पे ये इरेशनल टाइप का आ जाएगा देखो, क्योंकि माइनस में आना चाहिए, कुछ गलत बता रहे हो। तो सबसे पहले चलो सिंपलीफाई मैं ही कर लेता हूँ, कहाँ आ गया ये 13 यानी कि माइनस 13 और माइनस 4g यानी कि कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4 सर 25 आ रहा है प्लस 8, अच्छा 25 आ रहा है और यहाँ पे प्लस 30 ठीक है ना, यही आ रहा है ठीक है। हाँ सर सी की वैल्यू 25 25। तो अब सोचो ये सी तुम्हारा 25 आया तो अब हम लोग अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी क्या आपका ये 4, फिर क्या लिखोगे, अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 25 तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आया तो डी आंसर होगा, बताओ चलेगा? चलेगा। और क्या सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन में बताओ, दूसरा मेथड हमें बता दो। क्या तुमने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, मेथड टू पैरामेट्रिक फॉर्म में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना तो सीखा ही था ना, बताओ सोचोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। y इक्वल्स टू क्या ये 4x माइनस 3, अगर हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख लें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्योंकि इसी लाइन पे लाई कर रहा है सेंटर, तो अगर मैं इसको बोल दूं जो आपका x कोऑर्डिनेट अगर लेमडा है तो क्या y कोऑर्डिनेट 4 लेमडा माइनस 3 होगा, बताओ ऐसा लिख सकते हो? अब सोचो ये एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है ये तुम्हारा 4,5, तो क्या तुम इसको सेंटर से अगर मिला दोगे तो दोनों का डिस्टेंस क्या इक्वल होगा, ये और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस के इक्वल होगा क्या, होगा। तो अगर ये ए है बी है और इसको मैं सी बोल दूं तो क्या तुम बोल सकते हो जो ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी, और यहाँ से क्या लेमडा का वैल्यू मिलेगा, लेमडा का वैल्यू मिलते ही काम अपना क्या बहुत आसान जैसा नहीं लग रहा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 8 स्क्वायर, ऐसा होगा? Yes, बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से
सेंटर क्या आया था, लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू अभी जो सेंटर हम लोग फाइंड किए थे तो माइनस जी का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना, 2.5। तो देखो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से तुम्हें 2 मिल जाएगा, समझे, क्लियर है, लैम्डा का वैल्यू 2 मिला तो क्या सेंटर अपन बता पाएंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या ये 2, और 2 अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 मिलेगा, सेंटर आ गया। अब सेंटर आ गया तो किसी से ए से मिला दो तो ए सी तुम्हारा क्या रेडियस के इक्वल आ जाएगा, और ये तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, समझ में आया। हाँ तो थोड़ा सा सोचना है तभी मजा आएगा मैथ्स में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, ठीक है ना, 2, -2, -1, -1 एंड 5, 2, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। क्या ये वही क्वेश्चन है जो तीनों वर्टेक्स दे रखा है, मतलब ट्रेंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है और पूछ रहा है कि चलो सर्कम सर्कल बता दो, तो बता पाएंगे अपन। इसके लिए 3-3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, हो पाएगा तुम लोग से? हाँ सर हो जाएगा। क्या ये होमवर्क दे दे, बोलो। चलो पूछ लेता हूँ, चलो युग बताओ तो पहला मेथड कैसे करोगे इसको, मतलब इसने बोला जो इसी सर्कल पे, इस सर्कल का इक्वेशन बता दो, इस सर्कल पे 3 पॉइंट आपको दे रखा है, यानी कि ये ट्रायंगल है आपका, ये 3 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट आपका 2, -2, दूसरा है -1, -1 और ये है आपका 5, 2। कैसे करोगे युग? पहला मेथड क्या हो सकता है? चलो अक्षय, अक्षय राजेंद्र, yes, कैसे करेंगे? इसमें ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालेंगे पहले, ठीक है। चलो एक वो रेडियस, वो सेंटर होगा सर्कल का, बिल्कुल, और रेडियस फाइंड कर लेंगे किसी एक पॉइंट को मिला के, ठीक है। यस सर, बहुत बढ़िया। और सेकंड मेथड चलो कौन बताएगा, अखिल सर? ये हम लोग एक सर्कल की जनरल इक्वेशन रख के तीनों पॉइंट्स के एक एक बार रखेंगे, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन मिलेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है जो जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 में एक बार रख देंगे 2, -2, फिर रख देंगे -1, -1 और ये 5, 2, यानी कि 3 इक्वेशन आ जाएगा f, g एंड c में। तो फिर उनको उसके हेल्प से अपन f, g और c फाइंड कर लेंगे और वापस से उस इक्वेशन को, मतलब उस वैल्यू को रख देंगे इस जनरल इक्वेशन में। तो क्या हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, बताइए, होगा ऐसा? स्मार्ट मेथड कौन सा है? स्मार्ट मेथड सर किन्नी 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के फिर इंटरसेक्शन भी तो ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ थे तुम, तुमसे पूछ रहा था मैं। नहीं सर, मैं मुझसे नहीं पूछा। अच्छा तुमसे नहीं पूछा था क्या, चलो। तो ये बोल रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन निकाल लेते हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर आ जाएगा। सरकम सेंटर आ गया तो हम किसी पॉइंट को मिला के रेडियस फाइंड कर लेंगे और आ जाएगा इक्वेशन। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके, किसी एक मेथड से तुम लोग कर लेना जो भी तुम्हें ईजी लगे, पहले तो तीनों से कर लेना फिर देखना जी यार कौन सा ईजी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में। अब थोड़ा सा याद करो जो जब तुम बच्चे थे नाइन्थ में ही सर्कल आया था ना? यस सर, नाइन्थ में था। तो अगर नाइन्थ में तुम पढ़े होगे तो यार ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म करता है क्या उसका हाफ एंगल सर्कमफेरेंस पे फॉर्म करता है क्या? यस सर। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? 180, वहां पे 90। तो यहाँ पे क्या होगा? 90, ठीक है ना। अब सोचो इसका अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए x1, y1, ये आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x2, y2। अच्छे से समझना, ठीक है ना, फिर मजा आएगा। तो अब सोचो यहाँ पे तुम लोग क्या सोचोगे अगर इस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना, ये क्या ऐसा
इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है सर्कमफेरेंस पे जो कि 90 फॉर्म कर रहा होगा, ऐसा तुम बोलोगे सर इसको मिला दो तो यहाँ पे ये भी 90 होगा, यही तो थ्योरम होता है, इसको मिला दो तो ये भी 90 होगा, ऐसा बोलोगे आप बताओ? यस सर, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो अगर ये 90 दिख रहा है और हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, एक तरह से कह सकते हो जो तुम इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना चाह रहे हो, जो इस मतलब इस P पॉइंट का लोकस तुम एक तरह से फाइंड करना चाह रहे हो, तो P पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो लोकस क्या होगा? अगर मैं बोल दूंगा जो देखो यार ये ए बी एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है ना, और एक P पॉइंट है स्पेस में, मतलब 2D में बात कर रहे हैं, P पॉइंट है एक, मैं बोला जो ये P पॉइंट जो है ना, अगर P पॉइंट से तुम ए बी को ज्वाइंट कर रहे हो तो P पे 90 डिग्री बनाना फॉर्म होना चाहिए, तो P पॉइंट का लोकस बता दो क्या होगा। तो P पॉइंट का जो लोकस आएगा ना, वो P पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहा होगा। तुम बोलोगे सर अगर मैं इसको डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स बता दूं और उस डायमीटर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है तो वो सेंटर पे जो है 180 फॉर्म कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे 90 फॉर्म करेगा, और ये जो 90 फॉर्म करेगा तो ये क्या ये सर्कल पे ही लाई कर रहा होगा? यानी कि P पॉइंट का जो लोकस होगा क्या वो एक सर्कल आ रहा होगा? हाँ सर आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं, दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। तो पहला ये हमने सोचा जो चलो ठीक है भाई, अगर ये 90 फॉर्म कर रहा होगा तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए? पहला मेथड, क्या हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए? जो इसमें से अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या तुम बोल सकते हो जो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो आप बताओ? चलेगा जी? यस सर। हाँ, जिसको नहीं आए पूछना है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो बस। तो अब सोचो अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर? क्या इसके हेल्प से भी हमें सर्कल का इक्वेशन मिला? पहला मेथड चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब चलो सेकेंड मेथड, संकर्षण त्रिपाठी, हेलो संकर्षण, क्लास में हो तुम? चलो और सोचो, तो अगर ये 90 फॉर्म कर रहा होगा तो क्या स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस वन के इक्वल। माइनस वन के इक्वल, तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए पी और इसका अगर अपन बात करें स्लोप ऑफ पी बी, क्या दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी, क्या ये माइनस वन के इक्वल होगा? ऐसा। तो अब हमें स्लोप तो फाइंड करना आता है, इतना तो आता है हमें, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इनटू इसका स्लोप क्या बोल दोगे? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल्स टू माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां से ये क्या आ गया, क्या ये y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू और राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, एक साइड ले आओ, क्या दिख रहा है आपको? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है ना, प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसा है बताओ? चलेगा? देखो दोनों तरीके से आपको क्या मिला, ये सर्कल का इक्वेशन मिला। एक तरह से आपने लोकस ही तो फाइंड कर रहे थे, और लोकस फाइंड क्या करते हैं, एक कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं और लोकस आ जाते हैं, यही होता है ना सर? हाँ जी सर,
मतलब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि हमको अगर मतलब सर्कल का डायमीटर दिया है, उस डायमीटर के दो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हाँ, और हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो तुम थर्ड मेथड बताओ। सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? सर एफ जी क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, नहीं सेंटर और रेडियस। हाँ सर, सेंटर और रेडियस चाहिए। तो सोचो, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे दिया गया है, एक ये है, दूसरा ये आपका एक्स टू कमा वाई टू है। अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे दिया गया है तो क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो? इसी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। हाँ होगा। तो क्या तुम एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और इसको क्या बोल सकते हो, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ऐसा हाँ सेंटर आ सर, गया। बोल क्या तुम सकते हैं। रेडियस बता सकते हो? जो रेडियस बोल सकते हो तो या तो ए बी बाई टू कर लो भाई, क्योंकि वो डायमीटर है, टू आर इक्वल्स टू ए बी है, या तुम ए सी फाइंड कर लो। तो ए बी बाई टू करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ, अगर अपन बात करें तो क्या ये एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर बाई टू होगा क्या? बताओ, ऐसा लिख दोगे? तो अब सोचो, सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है, तो सर्कल का इक्वेशन लिख लिया जाए। एक्स माइनस एक्स वन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू होल स्क्वायर। वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन के प्लेस पे क्या हो जाएगा? वाई वन प्लस वाई टू बाय टू का होल स्क्वायर। और रेडियस के प्लेस पे क्या लिख दोगे? आर स्क्वायर के प्लेस पे। क्या ये एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन 4? क्या ये तीसरा मेथड आ गया? बताइए, चलेगा जी? यस चलेगा। सर, हाँ जी, जो आपने पिछला वाला मेथड लिखा था जो कि हर जगह 90 डिग्री बना रहा था, आपने लोकस साइन किया था, तो उसमें जो इक्वेशन आई है वो उस सर्कल की आई है जो कि बना होगा हाँ सर। पर अगर मान लीजिए जो पॉइंट भी आपने एक्स वाई सेलेक्ट किया है, अगर वो या तो ए की जगह पे हो या तो बी की जगह पे हो, सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर वहां रहे तो 90 डिग्री बनेगा नहीं। अगर वो बिल्कुल ये ए पॉइंट हो जाए, मतलब पूरा घूम के आ जाए वहां पे, ए यस पे आ सर, जाए, हाँ तब तो नहीं बनेगा। तब क्या होगा? जो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्स माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, नहीं? क्योंकि डिस्टेंस अगर अपन फाइंड कर रहे होंगे तो यानी कि एपी वो तो जीरो हो जाएगा। यस सर, हाँ, तो अगर वो जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या इधर, एक्स वन माइनस एक्स टू। तो यानी कि ये एक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो तब भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। आप पहले तो वो कंडीशन लगा दिए, ठीक है ना? कंडीशन लगा के जो आपके पास इक्वेशन आया, अब वो जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन तो उस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो तो ए पॉइंट और बी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। आप सिर्फ इक्वेशन पे भी फोकस करो। देखो जो आपके पास इक्वेशन आया है क्या वो ए और बी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, करें। कर रहा है। तो इक्वेशन जो हम लोग लाए हैं वो हम लोग बोल सकते हैं जो हाँ ये इक्वेशन पूरे सर्कल का इक्वेशन आया है। लेकिन जो हम लोग कंडीशन लगाए हैं वो तुम हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, जो अगर ये पी पे आ गया तो वो कंडीशन हम लोग नहीं लगा सकते। लेकिन कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है वो पूरे सर्कल के सारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? यस सर, हाँ, तो अब हम लोग याद क्या रखेंगे? हमारे लिए सबसे सिंपल सा काम क्या होगा, अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे रखा है, ध्यान देना सब, अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दे रखा है जो ये एक्स वन कॉमा वाई वन और ये एक्स टू कॉमा वाई टू है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। यानी कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन एक्स टू है, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू और वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। ये किसका इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा डायमेट्रिक फॉर्म में। अगर मान के चलो ये इक्वेशन भी अगर आपको गिवेन है तो क्या आप ये बता सकते हो जो उस सर्कल का मतलब इस फॉर्म में हमने अगर लिख दिया है तो क्या तुम बता सकते हो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होगा? बता सकते हैं ना? हेलो, यस सर, हाँ सर, बता सकते हैं क्या? ये सबको क्लियर है? यस सर, ठीक है, चलो। अब इसने बोला है ये क्वेश्चन देखो, तो
बोला लाइन इतना मिट द एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन। ठीक है, अब थोड़ा सा जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना चाहिए, उससे एक आइडिया लग जाता है जो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसने बोला है जो ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये है आपका 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। इसका x इंटरसेप्ट आप बता सकते हो क्या होगा, 7.0 और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब इसने तुमसे क्या बोला है, जो इससे पास कर रहा है सर्कल, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, अगर ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, तो क्या आपको लग रहा है जो यार ये जो कॉर्ड अपन बोलते हैं ए बी कॉर्ड जो है, क्या वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये कॉर्ड जो है ए बी कॉर्ड जो है क्या वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्या, इस ए बी कॉर्ड के बारे में सोचो, ये ए बी कॉर्ड जो है क्या ये ही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सोचो भाई। हाँ सर, कर रहा है ना ओरिजिन पे, तो क्या अगर ये ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो क्या ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होगा ए और बी। हाँ सर, हाँ सर, तो अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होगा तो क्या डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें, ये जेई का क्वेश्चन है, क्या ये तुम्हारा डायमीटर है, है? तो अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है ए और बी, तो अपन इक्वेशन क्या लिखते थे डायमेट्रिक फॉर्म से, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसा बोलते हैं अपन, बताइए यही होता है ना। अरे हाँ ना, तो बोलो यही होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस सेवन x माइनस जीरो प्लस y माइनस जीरो y माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहां देखो इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस y स्क्वायर माइनस थ्री y इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री y इक्वल्स टू जीरो, आंसर आ गया। क्लियर सबको? अब सोचो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा बच्चा क्या क्या सोचता, सोचता अच्छा ए पॉइंट से पास कर रहा है ए पॉइंट निकाल लिए, बी पॉइंट से पास कर रहा है बी पॉइंट निकाल लिए, ओ पॉइंट से पास ओरिजिन से पास कर रहा है तो जीरो कॉमा जीरो। अब बोलेगा अच्छा ये क्वेश्चन ना वो पुराना क्वेश्चन है जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन बताओ, वो अगर वो अप्रोच लगाएगा तो क्या उसका तीन मिनट चार मिनट जाएगा, दो तीन मिनट तो जाएगा ही नहीं, बताओ उससे आप सस्ते में निपटा दिए इसको, आपने सोचा ये तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? ये सेम कॉन्सेप्ट एक बार आगे यूज होगा, देखता हूँ किस किस को याद रहता है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो एक आइडेंटिटी जो बहुत फेमस है वो आप लोग को पता है, कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला, पता है, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, बताइए। तो पहले तो हम लोग याद करने का तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद फिर ये ऐसा क्यों आया वो भी अपन बात कर लेंगे। तो अब सर्कल का जो इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इस सर्कल में आपको पता है ना सेंटर क्या आपका 0.0 है और रेडियस क्या आपका आर है, बताइए, ऐसा ही है ना। हेलो, क्लियर है सबको? हाँ सर, यस सर। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन से कंपेयर करना होगा तो राइट हैंड साइड पे हमें वन बनाना पड़ेगा, तो वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या ये x बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे y बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन बना देते हैं।
अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये मैं याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताओ क्या आया, क्या ये x by a equals to क्या लिखोगे cos theta, y by b equals to आप क्या लिखोगे sin theta। तो x equals to क्या आया आपका a cos theta और y equals to क्या आया आपका, अच्छा यहाँ पे a है, y equals to क्या आया a sin theta। क्या ये सबको क्लियर है, बताओ? Yes sir। Yes, तो हम लोग सर्कल पे, यानी कि इस सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लेट करेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट्स अगर लेट करेंगे, तो हम लोग बोल देंगे क्या होगा भाई, a cos theta, a sin theta, ऐसा। अगर हम लोग थोड़ा देखें लॉजिक लगा के तो भी यही आएगा। आप बोलोगे सर ये रेडियस a है, हमने सोचा चलो यहाँ पे p कोई पॉइंट लेट करते हैं, ये जो फिगर है इसमें देखना, हमने बोला जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो जो है रेडियस वेक्टर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या तुम बोल सकते हो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या ये ए कॉस थीटा के इक्वल होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो ना एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया ए कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू क्या आ गया ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे थीटा जो है आपका, थीटा बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हो 0 to 2 pi। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। आ गया। अब सोचो इसका सेंटर तो 0, 0 था, अगर इसका सेंटर x1, y1 होगा तो कोई दिक्कत होगा क्या, जो तुम्हें समझ में ही ना आए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, बताइए। अगर इसका सेंटर मैं चेंज कर दूं तो तुम बोलोगे सर मैं फिर से वही सेम अप्रोच लगाऊंगा। सेम अप्रोच कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, अभी इस सर्कल का सेंटर क्या बता दो, सेंटर आपका क्या ये h कॉमा k है क्या, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस a है, बताइए। ऐसा ही है ना? हाँ। अगर इसको cos square theta plus sin square theta से कंपेयर करना चाहें तो क्या आपको राइट हैंड साइड पे 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे a square से डिवाइड कर दे, तो क्या ये x by h upon a whole square plus y minus k by a whole square equals to 1 बोल सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर लो किससे, cos square theta plus sin square theta equals to 1 से कंपेयर कर लो, ऐसा चलेगा? तो अब सोचो यहां से क्या ये x minus h by a equals to क्या लिख सकते हो cos theta, y minus k by a equals to क्या बोल सकते हो sin theta, तो x equals to क्या आ जाएगा, क्या ये h plus a cos theta, और y equals to क्या बोल सकते हो k plus a sin theta। क्या ये सबको क्लियर है, बताओ? यस सर। तो यानी कि अगर सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख दूं, आपसे पूछूं तो चलो भाई ये x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, अगर इस पे हमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स कोई पॉइंट्स लेट करना होगा तो क्या मैं लेट करूंगा h प्लस a cos theta और k प्लस a sin theta, क्या यही होगा, बताओ, चलेगा? यस सर। उसी पुराने वाले में क्या किए, उस सर्कल का सेंटर पहले ओरिजिन था, उस सर्कल को उठा के लेके चले गए जिसका सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा k, शिफ्ट करा दिए, बस यही तो करना है, बाकी सब सेम है। यानी कि अगर तुम दूसरे तरीके से देखोगे, चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं आएगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसपे पैरामेट्रिक पॉइंट्स आपने क्या बोला, x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू आपने क्या लिखा a sin थीटा, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, तो x माइनस h स्क्वायर प्लस
y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमने बोला ये जो x माइनस h है इसको अपना कैपिटल x से रिप्लेस कर दो, तो कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बोल सकते हैं। और कैपिटल x आपका क्या है, क्या कैपिटल x x माइनस h है? तो अगर ये ऐसा होता तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स आप क्या बोलते, बोलते जो कैपिटल x इक्वल्स टू हम तो लिख लेंगे भाई a cos थीटा, और कैपिटल y इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे a sin थीटा, ऐसा। अब क्या कैपिटल x को अपन रिप्लेस कर लें इससे x माइनस h इक्वल्स टू a cos थीटा से, और इसको क्या लिख दें y माइनस k इक्वल्स टू a sin थीटा। तो अब मुझे बताओ यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कि ये h प्लस a cos थीटा और y इक्वल्स टू क्या आ गया k प्लस a sin थीटा। क्या ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, बताओ क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पे आपको पैरामेट्रिक पॉइंट्स बताना है फटाफट, बताओ इसका आंसर, बताओ क्या होगा। हो गया सो डूइंग। क्या इसका आप सेंटर बता सकते हो क्या होगा? चलो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक तो जो अभी आपने पढ़ा है उसके हेल्प से देख लो। इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस सिक्स को क्या लिख सकते हो, टू इंटू एक्स इंटू थ्री सर। हाँ जी सर, फाइव कॉस थीटा प्लस थ्री और फाइव साइन थीटा माइनस टू। अच्छा शायद सही हो। इसको पहला हम लोग ऐसे देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, जो कि आपने पहले अभी देखा है। तो सोचो यहाँ पे क्या थ्री का स्क्वायर चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ऐसा बोलोगे। ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू टू है, तो क्या इसको टू स्क्वायर चाहिए। तो एक्स्ट्रा तुमने क्या किया है, एक तो प्लस थ्री स्क्वायर किया है प्लस टू स्क्वायर किया है, तो क्या ये अपने को माइनस थ्री स्क्वायर और माइनस टू स्क्वायर भी करना पड़ेगा। और पहले से क्या है माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिखे बताओ। यस हाँ, आपको सब कुछ आना चाहिए, मतलब ये सब चीजें तो आना ही चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको, इससे तो बच्चों को आते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या ये x प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर, और साथ में देखो ये नाइन हो गया और नाइन और ये फोर हो गया, ठीक है ना। तो क्या इसको अपन राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा क्या, ऐसा बोलो। और इस ट्वेंटी फाइव को क्या आप फाइव स्क्वायर बोल सकते हो। अब आप कंपेयर कर लो, जैसे यहाँ पे था x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो आप लिखे थे x इक्वल्स टू h प्लस r cos थीटा और y इक्वल्स टू आपने लिखा था k प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे,
क्या x इक्वल्स टू ओपन लिखेंगे माइनस थ्री प्लस फाइव कॉस थीटा और y इक्वल्स टू लिखेंगे टू प्लस फाइव साइन थीटा। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, अब और क्या सोच सकते हैं? एक बार मैं पीछे चल रहा हूं, चलो एक पॉइंट बताना है बस इसमें। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं जो यार ये अगर जनरल इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इस सर्कल का सेंटर क्या बताते हो? क्या माइनस जी कॉमा माइनस एफ बताते हो? और रेडियस क्या बताते हो? क्या स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बताते हो? यही लिखते हो ना? यही लिखते हो। yes, sir. तो अगर ये सर्कल है और इसका सेंटर तुम्हारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ है और रेडियस मैं बोल दू ये आर है, तो अगर इस पे हमें कोई पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेना हो x, y, तो वो क्या आ जाएगा? क्या वो x इक्वल्स टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा आएगा और y इक्वल्स टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा आएगा? बताओ, यही आएगा ना? यस सर, यही आएगा। तो अगर ये हम यूज करें तो आप इसका आंसर थोड़ा इजीली बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर इसका तो हमें सेंटर पता है क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो है, इसका सेंटर बताओ क्या लिखोगे? क्या माइनस थ्री कॉमा टू? और इसका रेडियस क्या लिख दोगे? रेडियस फाइव आएगा, बताइए। अब जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स हमें लेना है तो क्या मैं x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ माइनस थ्री प्लस फाइव कॉस थीटा डायरेक्ट और y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं टू प्लस फाइव साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब स्पेशल कंडीशन पे हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप लोग बताइएगा। इसने बोला जो व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होगा? पहले तो ये क्लियर कर लो जो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेंटर और रेडियस, यही चाहिए होता है ना? बोल लो भाई, यही चाहिए होता है। yes. नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों समझ में? नोट कर रहे हैं सर। अरे नोट कर लेना भाई, बाद में सीख लो पहले, नोट तो 10 मिनट में हो जाएगा, लिखेंगे फटाफट। तो सुन रहे हैं सर। हाँ तो बोलो भी ना, थोड़ा बोलोगे तभी मुझे भी पता चलेगा ना तुम लोग को समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। चलो अब सोचो, इसने बोला है जो एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचना है। देखो अगर ये टच कर रहा है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर तुम h, k बोलोगे तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? क्या रेडियस तुम्हारा k के इक्वल होगा? बताओ। यस सर, रेडियस k के इक्वल होगा। और सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो इसमें सोचेंगे जैसे ही x एक्सिस को टच किया तो यानी कि सेंटर जो होगा वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ऐसा है? बिल्कुल है। तो अगर कोई ऐसा लिखना चाहेगा h कॉमा r तो क्या तुम बोलोगे उसको गलत लिख रहा है क्या? नहीं ना, सही लिख रहा है, सही लिख रहा है। यानी कि अगर ऐसा बोले x माइनस एच स्क्वायर प्लस y minus r whole square equals to r square, ये भी वही आएगा। रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है बस। कितना रटोगे? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब सोचो दूसरा, अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या कह सकते हैं जो सेंटर से जो मतलब सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा क्या वो रेडियस के इक्वल होगा? सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या वो रेडियस के इक्वल होगा?
बताओ भाई ऐसा होगा तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, सेंटर पता है तो x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे h स्क्वायर। अगर कोई बच्चा सोचेगा जो रेडियस रेडियस में खेलेंगे तो ठीक है, कुछ गलत नहीं सोच रहा है, वो बोल देगा जो चलो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोल देते हैं r कॉमा k, ठीक है। तो क्या वो x माइनस r स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम्हें इक्वेशन भी ऐसा दिया हुआ है तो तुम समझ जाओगे जो भाई इसका x कोऑर्डिनेट और जो रेडियस है दोनों इक्वल है, यानी कि ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो ये y एक्सिस को टच कर रहा हो। क्लियर है सबको? यस सर। अब सोचो अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या तुम कह सकते हो जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या वो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा और दोनों क्या रेडियस के इक्वल होगा? अगर मैं बोलूं ये r है ये r है तो क्या ये r कॉमा r बोलोगे आप? बताइए। हाँ सर। ऐसा लिखेंगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा x माइनस r स्क्वायर प्लस y माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ ये सब ऐसा नहीं सारे कंडीशन को बैठ के रट रहे हैं अच्छा 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 ऐसा नहीं, समझ लो कैसे फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर चाहिए रेडियस चाहिए तो देख लेंगे भाई कैसे निकालना है, खत्म। अब इसने बोला है व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ये बताइए अगर ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो ऐसे जनरल सर्कल का मतलब सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, जीरो कॉमा जीरो को सेटिस्फाई करेगा ये? बताइए। हाँ सर करेगा। करेगा, अगर करेगा तो सोचो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आप बोलोगे ना जो भाई सी को भी जीरो होना पड़ेगा अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो यानी कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम लोग कहेंगे जो इसमें सी का जो टर्म होगा वो जीरो होगा। मतलब अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्लियर है? क्लियर है। अब अगर कोई बच्चा थोड़ा और दिमाग लगाना चाहते हैं, चलो सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सोच लेते हैं और। अब सोचो अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है और सर्कल का सेंटर आपको पता है कितना है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो इसका तुम बता सकते हो ये जो ए वाला होगा ये किस किसके इक्वल लिख सकते? क्या मैं माइनस टू जी कॉमा जीरो लिख सकता हूँ और इस बी को लिख सकता हूँ जी कॉमा माइनस टू एफ? ऐसा अब सोचो तो अगर ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पता है और ये ओरिजिन पे देखो क्या 90 फॉर्म कर रहा है तो डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर है? तो हमें यही इक्वेशन मिल रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g। हाँ हाँ यही इक्वेशन मिलेगी ना तो कोई अलग सर्कल थोड़े ना है, बस देखने का नजरिया हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं जिससे हम सोच पाए, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हिले भी ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलो इसके बारे में देखो तो इसके बोला व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ये इस सर्कल का इक्वेशन तुम डायमेट्रिक फॉर्म से लिखना चाहोगे क्या बताओ? इसने बोला जो इसका एक्स इंटरसेप्ट बता रखा है सर्कल का वो क्या है भाई ए है, वाई इंटरसेप्ट ये बी है और बोल रहा है जो वो सर्कल जो है ना तुम्हारा ए बी और ओ से पास कर रहा है
तो क्या इस सर्कल का इक्वेशन तुम डायमेट्रिक फॉर्म से लिखोगे? बताइए, ऐसा लिखें? यस सर। y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू जीरो। अगर डायमेट्रिक फॉर्म से लिखेंगे तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? कि ये x माइनस x1 यानी कि a इंटू x माइनस जीरो प्लस क्या हो जाएगा y माइनस जीरो इंटू y माइनस b इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहां से क्या आएगा, क्या ये x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू जीरो आएगा? बताओ, ऐसा ही लिखेंगे ना? यस सर, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, चलेगा। तो अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, सॉल्व कीजिए फटाफट। हो गया सॉल्व? सर बी। क्या बी आ रहा है? और किसी से सॉल्व होगा? बी। इफ द सर्कल इतना टच द एक्सिस ऑफ एक्स देन ए इक्वल। अच्छा, कैसे सॉल्व कर रहे हो सर? रेडियस हमें पता चल जाएगा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, यानी कि 3.4 है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट। ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल लो सर। हाँ, निकाल लो। रेडियस मिल जाएगा और वो जो हम लोग ने रेडियस का निकाला था रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो सोचो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये 3.4 होगा? तो ये क्या आ गया 3.4 ऐसा। और रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर हम लोग देखें तो जी स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 9 प्लस 16 माइनस 25 प्लस ए स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। और ये रेडियस अपने को पता है रेडियस किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो क्या यहाँ पे 4 कर दें? तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 4। तो ए क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस 4 आएगा, यही आएगा। क्या ये सबसे सॉल्व हो रहा है? हो गया, बोलो। यस यस सर, बहुत बढ़िया। चलो इसको सॉल्व करो। तो इसमें द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच टच द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1.0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2.3 इज। चलो सबसे पहले क्या करोगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करोगे। x एक्सिस को टच कर रहा है ये बता रखा है, ठीक है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि रफ स्केच ड्रॉ कर लिया जाए। तो x एक्सिस को टच कर रहा है भाई कहां पे, 1.0 पे। हाँ, ये 1.0 पे टच कर रहा है और ये पास कर रहा है तुम्हारा
2,3 पे, मान लो यहाँ पे कहीं है 2,3 से पास कर रहा है। अब ये डायमीटर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डायमीटर, यानी कि अगर रेडियस निकाल लोगे तो क्या रेडियस का ही 2 times हो जाएगा डायमीटर, बताओ। यस सर, यही होगा। तो अब बताइए क्या होगा, कैसे किया जाए सॉल्व। अगर टच करता है तो उसका सेंटर का जो है y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट इसका अगर मैं h बोल दूं तो y कोऑर्डिनेट क्या रेडियस के इक्वल होगा, ऐसा होगा। और x कोऑर्डिनेट अगर तुम h बोल रहे हो तो तुम कह सकते हो ना, अगर ये टच कर रहा है तो सर इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा क्या वो h जो है तुम्हारा वो 1 के इक्वल होना चाहिए, सोचो। यस सर, होना चाहिए। तो क्या तुम्हें सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 1,r मिल गया। अब सोचो 1,r से कौन सा डिस्टेंस, ये 1 वाला डिस्टेंस और ये 2 वाला डिस्टेंस क्या इक्वल होगा, बताइए। अगर मैं इसको c बोल दूं, इसको p बोल दूं, तो तुम एक चीज कह सकते हो ना, जो c p जो होगा क्या वो r के इक्वल होगा, मॉड ऑफ cp, नहीं आया? आ गया, आ गया। सबको क्लियर है या फिर से बताऊं? सर क्लियर है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आपने लिखा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया 1,r। तो अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट 1,r है तो क्या मैं अगर CP को मिलाऊंगा तो वो भी तो रेडियस के इक्वल ही होगा ना, अगर इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस के इक्वल होगा, ये r है तो ये भी r होगा। तो हमने बोल दिया CP इक्वल्स टू r, तो क्या यहाँ से अगर हम CP डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 - 1² + 3 - r² इक्वल्स टू r, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लोगे तो क्या ये 1 + 9 + r² - कितना हो जाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, तो 6r = r² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ यहाँ से r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10/6 बोले तो 5/3। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ज्योमेट्री मतलब एक रफ स्केच ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जो अपना अप्रोच कैसा होना चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो लेट द सर्कल पासेस थ्रू 1,-2 एंड टच द एक्स एक्सिस इतना, ठीक है ना, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें सेंटर मिल गया, सेंटर मिल जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन लिख लोगे, और सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम तो पॉइंट चेक कर ही सकते हैं जो कौन सा पॉइंट जो है वो सर्कल से सर्कल पे लाई कर रहा है। क्या ये पुराना जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी सिमिलर है क्या, बताओ? हो गया सॉल्व? एक से हेलो स्त्री, समझ में आया तुम लोगों, तुम सबको श्री उस क्या नाम yes, hmm.
अमन अमन म्यूट करके बैठे हो क्या तुम? हो गया साहब? कैसे किया जाए इसको? इतना टफ है क्या? अभी तो सिमिलर क्वेश्चन तो किए और कुछ देर पहले सर वही रेडियस तो निकल गया सर, इक्वेशन भी लिखा गया। हाँ तो इक्वेशन भी आ गया था, पॉइंट चेक करना है ना, ये ऑप्शन चेक करने वाला क्वेश्चन है ना ये। हाँ सर तस्सी ऑप्शन है क्या? हाँ सही है सही है। तो इसमें देखो इसने क्या बोला है, जो सर्कल को कहाँ पे ये टच कर रहा है, 3,0 पे टच कर रहा है और पास कर रहा है 1,-2 से। तो एक चीज तो पता चल रहा होगा यार, ये सर्कल जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्या ऐसा लग रहा है आपको? क्यों भाई? क्योंकि ये बोला है जो 1,-2 से पास कर रहे हैं, तो 1,-2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट तो जाना ही पड़ेगा ना इसको, तभी तो हो सकता है ना 1,-2 पॉइंट इस पे लाई करेगा। बताओ ऐसा बोलोगे आप? यस सर। तो ये आ गया 1,-2। ओके तो अब अगर इसके सेंटर के बारे में बात करें तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 लिख दोगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या आर के इक्वल लिख दे, या तुम माइनस आर बोलना चाहो तो माइनस आर लिख लो, क्या ऐसा बोलोगे? बताओ चलेगा सर? स्क्रीन पॉज है। ठीक है दिख रहा है? यस सर। हाँ तो अब सोचो इसका सेंटर जो होगा क्या वो 3,-r होगा, ऐसा तो कह सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं जो अगर ये पॉइंट ए है
तो क्या यहाँ पे तुम बोल सकते हो जो सी ए जो होगा क्या वो रेडियस के इक्वल होगा? हाँ सर होगा। तो अगर सी ए रेडियस के इक्वल होगा तो क्या चलो स्क्वायर रूट क्यों लाए, इसको हटा देते हैं ना, बहुत सारे स्क्वायर कर लेते हैं लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, तो इधर भी स्क्वायर कर लो इधर भी स्क्वायर कर लो। तो सी ए आप बताओ क्या लिखोगे, 3 - 1² + - 2 + r² = r² क्या ऐसा लिखोगे? अब यहां से देखो कितना आ गया, 4 + 4 + r² - 4r = r² ये दोनों कैंसिल। तो यहां से देखो तो r इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा बताइए। हेलो r का वैल्यू क्या 2 आया सबका, तो सेंटर क्या आ जाएगा सर, सेंटर आपका आ गया 3 - 2, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो क्या सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, x - 3² + y + 2² = 2² अब देख लो भाई कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे इसने बोला सी तो 5 रखोगे तो क्या आएगा 2² और यहाँ पे -2, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, क्या जो मतलब क्या सिमिलर क्वेश्चन नहीं बोलोगे दोनों को? सर एक साल का डिफरेंस है, एक साल का डिफरेंस है। हाँ ये तुमने सही होता है, गुड स्मार्ट बच्चे है। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसलिए वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए, ठीक है ना, एंड टच एक्स एक्सिस, द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करोगे, रफ स्केच ड्रॉ करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे। इसने तुम्हें दे रखा है जो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये आप ही को सॉल्व करना है, साथ में रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस को टच कर रहा है कहाँ पे, ये नहीं दे रखा है, नहीं फिक्स पॉइंट ए एंड टच द x एक्सिस द लोकस ऑफ ए। तो एक पॉइंट है आपका मान लो यहाँ पे a, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ये P, Q, ओके चलेगा जी। अब बोला है इसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, a variable circle passing through the fixed point इतना and touch the x-axis, the locus of the other end of diameter through A। तो सोचो अगर इसको diametric end points देखे तो क्या होगा, इसको मिला दे कहीं से, इसको h, k लिख लें बताइए, ऐसा बोलोगे। अब सेंटर के बारे में सोचो भाई, सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो किसके इक्वल होगा, क्या एपी का मिड पॉइंट सेंटर होगा बताओ, क्या ये पी प्लस एच बाय टू और क्यू प्लस के बाय टू होगा क्या? यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका तुम बोल सकते हो जो रेडियस जो होगा वो रेडियस किसके इक्वल होगा, ये जो रेडियस है मतलब क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल इसका रेडियस होगा क्या बताइए? यस सर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहा है क्या उसके इक्वल रेडियस होगा ना, ये आपने बोल दिया p प्लस h बाय टू और q प्लस k बाय टू, तो रेडियस जो होगा वो इसके इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, q प्लस k बाय टू के इक्वल होगा रेडियस, ओके ठीक है। तो अब अगर हमें जो गिवन है वो तुम्हारा PQ है और तुमने HK उस लोकस जिसका लोकस फाइंड करना है उसको तुमने HK बोला है, ओके तो अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिख देंगे, सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, क्या बताओगे?
सर्कल का इक्वेशन सेंटर पता है, रेडियस पता है, लिख रहे यानी कि क्या ये x माइनस यहाँ से p प्लस एच बाय टू स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सिंपल भी सोचा जाएगा, प्लस y माइनस q प्लस k स्क्वायर बाय टू स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस आपका क्या है यहाँ पे, q प्लस k बाय टू होल स्क्वायर, ऐसा सोचेंगे सर? हाँ जी सर, यहाँ पे हम लोग डायमीटर वाला वो नहीं यूज कर सकते जो आपने बताया था? अच्छा डायमेट्रिक एंड पॉइंट सोच रहे हो तुम? हाँ सर। और सर रेडियस यहाँ पे यही हो जाएगा, वाई एक्सिस ही हो जाएगा यहाँ पे रेडियस आप। और सर डायमीटर वाला इस्तेमाल कर ले, इक्वेशन आ जाएगा। डायमीटर वाला अगर यूज करोगे तो फिर तुम्हें तो सिर्फ अभी एच के में रिलेशन लाना है ना, तो कैसे करोगे? मान के चलो तुमने लिख दिया x माइनस एच इंटू एक्स माइनस पी y माइनस के इंटू y माइनस क्यू, तो एच के में रिलेशन कहाँ आया? वहां पर x और y भी तो आ रहा है ना, बताओ। हाँ सर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमने सर्कल का इक्वेशन लिखा है, अब इस सर्कल में हम ये बोल सकते हैं जो h कॉमा k जो है यानी कि p पॉइंट जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, बताओ। यहां तक सर्कल का इक्वेशन लिखने तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया हो? पूछो पहले। कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं है? आयुष क्लियर है? हेलो। तो अब हम लोग क्या करें, इस P पॉइंट को इससे पास करा देते हैं। अगर P पॉइंट को इससे पास कराएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये H कॉमा K इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो क्या ये H माइनस P प्लस एच बाय टू होल स्क्वायर प्लस K माइनस Q प्लस K बाय टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q प्लस K बाय टू होल स्क्वायर, ऐसा होगा? अब देखो यहाँ से क्या हमें एक रिलेशन मिल गया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, क्या ये h माइनस p बाय टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बोल दोगे, k माइनस q बाय टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू q प्लस k बाय टू होल स्क्वायर, ऐसा? अब देखो यहाँ से टू टू कैंसिल कर सकते हो और h और k को तुम रिप्लेस कर सकते हो किससे, x और y से। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस टू एच पी, ठीक है ना? फिर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस टू के क्यू इक्वल्स टू क्या, q स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस टू क्यू के, ऐसा होगा? तो देखो यहाँ से q स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होगा? बताओ, ऐसा लिखोगे? अब तुम्हें दिख रहा होगा जो ये वाला पार्ट को हम लोग तो मर्ज करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ h माइनस p होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर क्यू के, और रिप्लेस कर दो तो x माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, फोर क्यू वाई, क्या ये सबको क्लियर है? ऐसा आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया इसका, क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और इसको कैसे सोच सकते थे इस वाले क्वेश्चन को? अच्छा डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, चल लग नहीं रहा है कुछ और सोचा जा सकता है, चलो इसको सॉल्व करो। तो इसमें द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6 एंड टच द बोथ एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को टच करता था तो उसका, उसके लिए सबसे पहले तो रफ स्केच ड्रॉ कर लिया जाए, क्या बोलते हो? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये सर्कल देख के आपको क्या लग रहा है, जो किस क्वाड्रेंट में होगा ये, बताओ, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा? हाँ सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये बोल रहा है जो 3, -6 से पास कर रहा है,
ऐसा तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा बताओ वो क्या माइनस आर कॉमा माइनस आर बोल सकते, सॉरी आर कॉमा माइनस आर बोल सकते हैं बताइए, क्योंकि ये भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और ये भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, बताओ चलेगा नहीं? आया आया सर, आया आया, ठीक है। तो मान लो सर्कल थोड़ा अच्छा से बना लें, तो ये सर्कल बन गया आपका, इसका इसने मतलब बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो अपने को पता है ना अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या उसको रेडियस से रिलेट कर सकते हैं? ये आर है, आर है तो बोलेंगे आर, और ये नीचे चले हैं एक्स एक्सिस के लिए तो क्या माइनस आर हो जाएगा, और ये पास कर रहा है थ्री कॉमा माइनस सिक्स से, तो क्या आप बोल सकते हो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये पास कर रहा है थ्री कॉमा माइनस सिक्स से, तो क्या उसको सेटिस्फाई कर देगा, तो थ्री माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसा बोलोगे तो क्या ये नाइन प्लस आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस थर्टी सिक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस कितना ट्वेल्व आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या ये आर स्क्वायर कैंसिल कर दे, चलेगा? तो अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर और साथ में कितना आ गया माइनस एटीन आर, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा फोर्टी, कहाँ आ गया यार, हेलो यस सर, तो यहां से अगर देखोगे तो एक तो आ गया आर स्क्वायर, ध्यान से देखना ये आर स्क्वायर माइनस एटीन आर सही तो था प्लस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो, यही दिख रहा है ना आपको, आर माइनस फिफ्टीन इंटू आर प्लस थ्री, तो यहाँ से दो रूट आ रहा है, एक तो आर इक्वल टू आपका क्या आ रहा है थ्री, एक आर इक्वल टू क्या आ रहा है फिफ्टीन आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है, माइनस थ्री नहीं आएगा ना सर, आर प्लस थ्री और आर माइनस फिफ्टीन सब मल्टीप्लाई अगर करें तो आर माइनस फिफ्टीन इंटू आर प्लस, ये यही इसका रूट आएगा ना, थ्री और फिफ्टीन आएगा ना, चलेगा? हेलो, अब सोचो अगर आर का वैल्यू थ्री और फिफ्टीन आया तो क्या अपने को सेंटर पता है, पता है, और अपने को क्या पता है भाई सर्कल का इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्या ये आप बोलोगे तो ये x, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार r का वैल्यू 3 ले लें, if r equals to 3 ले लें, अगर r equals to 3 लेंगे तो क्या होगा, क्या ये x minus 3 square plus यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 comma minus 3, तो क्या ये y plus 3 square equals to क्या बोलोगे, 3 square बोलोगे, ऐसा, तो equation क्या आ गया, x square plus y square और यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई, एक थ्री स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन इक्वल टू जीरो, ऐसा क्या आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, बताओ चलेगा? जी चलेगा, अगर हम लोग कैलकुलेशन ना भी करें तो तब भी देख सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन या तो सी होगा या फिर बी या सी में से होगा, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, क्या ये फिफ्टीन कॉमा माइनस फिफ्टीन, तो 15 कॉमा माइनस 15 कौन सा है सर, सी वाला, सी वाला, अच्छा 15 कॉमा माइनस 15 है ना, तो ना तो तुम्हारा सी है ना, अच्छा सी वाला भी कहाँ है, यहाँ पे तुम्हारा 30 होता ना तब चलता ना ऐसा, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा क्या बताओ, हाँ सर सी वाला तब होता ना जब ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा रहा था, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस थर्टी वाई और ऐसा लिखा रहता है, और बाद में यहाँ पे रेडियस तुम देख लेते जो भी होता है, ठीक है ना, तब ना अपन बोलते हैं इसका सेंटर आ जाएगा 15 कॉमा माइनस 15, तो क्या एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, हाँ सर ऐसा होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करके दिखाओ, तो
इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी. ये क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग. कहां पे स्ट्रेट लाइन में क्या रफ स्केच ड्रॉ किया जाए? ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसा सर्कल है ऐसा है. अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या कुछ ऐसा और ये ए और बी पे एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा है. अब आपको बोला है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी यानी कि इस पॉइंट का लोकस आपको बताना है एच कॉमा के. ये आपका आप जो भी करो और इसका रेडियस बोल रखा है आर है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? क्या ये टू आर हो जाएगा? ए बी जो है आपका वो टू आर हो जाएगा क्या? यस सर. ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टू आर के इक्वल हो जाएगा. कीजिए कीजिए. अब एक चीज बताओ यार, अगर हमें ओपी का स्लोप पता है, ऐसा क्वेश्चन किए हो तुम, अगर स्लोप ऑफ ओपी बताए पूछे तो तुम क्या बोलोगे? क्या ये के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो बताओगे? क्या ये के बाय एच बताओगे आप? अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी पूछू तो वो किसके इक्वल लिखोगे? क्या ये माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ ओपी बताओगे आप? क्या ये माइनस एच बाय के होगा? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन किए हो तुम लोग पहले तो ये बताओ, स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है जब रड का लेंथ एल था? हाँ सर. वही क्वेश्चन तो है. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी बता दिए आप, तो अब बताओ क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या ये वाई माइनस के और इक्वल्स टू माइनस एच बाय के इंटू एक्स माइनस एच, ये ए बी लाइन का इक्वेशन होगा क्या? यहाँ से आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई का वैल्यू जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल. तो अब देखो तुम्हें इस कोऑर्डिनेट को देखते ही याद आएगा जरा, ये तो हो चुका है. ऐसा आया था कभी? जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के. फिर तुमने क्या बोला था? जो ए बी का जो लेंथ है वो एल के इक्वल है और यहाँ पे ए बी का जो लेंथ है वो टू आर के इक्वल है, तो क्या अपन बोल सकते हैं जो ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर? ऐसा यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर यूज कर लेना. क्या ये समझ में आ रही है बातें? बोलो, चलेगा? यस सर, चलेगा. तो ए बी का लेंथ यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू इतना लिख दें तो क्या लिख सकता हूँ मैं? के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय एच होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एच स्क्वायर बाय k होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. तो अब यहाँ पे देखोगे तुम अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर में इसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना? अगर कॉमन लोगे तो फिर तुम्हें दिख रहा होगा x और y से रिप्लेस कर दो तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें का होल स्क्वायर तो ये क्या आएगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? फोर आर स्क्वायर होगा. तो अब दिख रहा होगा जो इधर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा और राइट हैंड साइड में ऐसा बन जाएगा, तो क्या तुम्हें बी ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट होगा? ठीक है, बताओ भाई, चलेगा? सर हो गया. अब एक बार ये तुम पहले सोचो, क्या ये क्वेश्चन कर चुके हो क्या? पहले ये पता होना चाहिए थोड़ा हमें. हाँ सर.
कर चुके हैं ना, जहां पे यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड पे एल आ रहा था, नहीं सिमिलर क्वेश्चन है जहां पे तुमने यहाँ पे फोर आर स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एल स्क्वायर आ रहा था, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है चलेगा जी? यस ठीक है ओके। ए क्लास कितने बजे तक की है सर? अभी तक की थी 12:45 ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको।